हूँ ताहिर वकास मुगल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल मल्टी स्टोर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ TikTok की बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाने वाली पोएट्री वीडियो रिदा अनमोल जो वीडियो हमारी अपनी बनाती है वो कैसे बनाती है। जैसे डबल एक्सपोजर वाली वीडियो होती है उसके ऊपर फिर टेक्स्ट उसका वाइप करके आता है, एक एक टेक्स्ट की लेयर आती है और बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट के साथ पेज वाला जो है ना वीडियो होती है उसकी, वो बनाती कैसे है और उसको जो है ना वो डबल एक्सपोजर के अंदर कन्वर्ट कैसे करती है, सारा जो है ना मैं आपको प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप इस तरह की वीडियो आसानी के साथ बना सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइमली मिलती रहे। चलो दोस्तों बिना कोई टाइम जाया के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपने सबसे पहले तो TikTok के ऊपर जाना है, TikTok ऐप को ओपन कर लेना है। TikTok ऐप को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से नीचे प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से टेम्पलेट पर क्लिक करना है और यहाँ से आगे आकर यहाँ पर आपको इफेक्ट मिल जाता है डबल एक्सपोजर। डबल एक्सपोजर वाला इफेक्ट को आपने सिलेक्ट फोटो के ऊपर क्लिक करना है नीचे ऑप्शन के ऊपर। यहाँ से ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने बहुत सारे इफेक्ट बना ये बैकग्राउंड जो इमेज हैं पेपर वाले बनाकर रखे हुए हैं, यहाँ से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उनको ऐड कर लेना है और एक डबल एक्सपोजर वीडियो बना लेनी है। पहले इसके ऊपर ब्लैक कलर का इमेज सेलेक्ट करना है, ये वाला भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ से आपने अपनी मर्जी का कोई भी जो है ना पेज सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास यहाँ बहुत सारे पेज हैं तो मैं आपको इस वाले पेज के ऊपर बनाकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आपने इसको ऐड कर लेना है, प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद ये वीडियो हमारी बन गई है डबल एक्सपोजर वाली। तो दोस्तों इस वीडियो के ऊपर अब मैं आपको टेक्स्ट ऐड करके दिखाऊंगा कि हमने टेक्स्ट ऐड कैसे करना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसके ऊपर साउंड सेट करना है, फेवरेट के अंदर अपने कोई से साउंड को आपने पहले से सेव कर लेना है। इस साउंड के ऊपर आप इस तरह की वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो मेरे पास एक सैंपल है, इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हु कैन व्यू द वीडियो दिस वीडियो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करने के बाद प्राइवेट करना है और इसको पोस्ट कर देना है। तो दोस्तों इसका थोड़ा वेट कर लेना है वीडियो को पोस्ट होने का। पोस्ट होने जब तक वीडियो पोस्ट हो जाती है तब तक जो है ना हम इसका वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ से ये हमें यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे वीडियो पोस्ट होती है तो यहाँ पर प्राइवेट के अंदर आ जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ से इस वीडियो के ऊपर ये देखें दोस्तों वीडियो हमारी सेव हो गई है। इस वीडियो को आपने ओपन करना है, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव वीडियो कर लेना है, वीडियो आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगी। इसके बाद हमने इसे लेके जाना है TikTok के काइन मास्टर के ऊपर और इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है। तो दोस्तों चलते हैं काइन मास्टर के ऊपर, बाकी वर्किंग में आपको काइन मास्टर के ऊपर करके दिखा देता हूँ। जी दोस्तों जो TikTok की हमने वीडियो बनाई है अभी उसे सेव कर लेना है। अपने सेव करने के बाद आपने काइन मास्टर के ऊपर आ जाना है। काइन मास्टर का लिंक अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस जो होगा, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, 9:16 वाली रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने ये वाली वीडियो जो आपने अभी सेव की थी इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों जो मैंने अभी डबल एक्सपोजर वाली वीडियो बनाई थी TikTok के ऊपर तो ये मैंने यहाँ पर सेव कर ली है। उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा आगे आना है, यहाँ पर यहाँ तक आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने लेयर पर क्लिक करना है और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट आपने पहले से ही कॉपी करके अपने पास क्लिप बोर्ड पर रख लेना है। जो आपके पास आप यहाँ पर टेक्स्ट पुट करना चाह रहे हैं, कोई पोएट्री है या फिर कोई भी पोएट है आपका, तो मेरे पास यहाँ पर एक थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी है जिसको मैं यहाँ पर ऐड करके आपको सैंपल के तौर पर दिखा देता हूँ। और तो कुछ भी नहीं हमारे पास, लेकिन तो दोस्तों इसको ऐड करते हैं यहाँ पर। और तो कुछ भी नहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऊपर ले आना है। ऊपर ले आने के बाद इसको थोड़ा सा करना है मूव। मूव करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेना है। मूव करने के बाद ताकि हमारे पेज जो है ना थोड़ा सा रोटेट साइड में है, तो इस तरह हमने टेक्स्ट को भी रोटेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कलर के ऊपर क्लिक करना है, ब्लैक कलर इसको दे देना है। ब्लैक कलर देने के बाद इसको यहाँ से हमने डबल ए पर क्लिक करना है, लैटिन पर क्लिक करना है और जंक्शन वाला इसको फॉन्ट दे देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मजीद बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर शेडो का ऑप्शन मिल जाता है, शेडो के ऑप्शन को ऑन कर देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे, इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इन एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपको वाइप वाली जो है ना एनिमेशन मिल जाती है, वाइप डाउन वाली एनिमेशन इसको दे देनी है आपने और इसे ओके कर देना है। उसके बाद दोबारा से सेलेक्ट करना है, इसे थोड़ा सा आगे कर लेना है ऐसे।
इसको यहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से दोबारा इस टेक्स्ट को यहाँ से खींच के बड़ा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट फाइल इसकी ले लेनी है, एक डुप्लीकेट फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसके नीचे ले लेना है थोड़ा सा, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके नीचे कर देंगे। और अगर आपको स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ रही हो तो यहाँ से आपने स्क्रीन को बड़ा कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने फाइल लगाई है इसके नीचे, इसको थोड़ा सा मज़ीद अपने हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल सेम नीचे ले आएंगे। नीचे ले आने के बाद आपने इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे इसके कर देना है यहाँ पर ऐसे। आगे करने के बाद इसको दोबारा सिलेक्ट करना है और अगले टेक्स्ट पुट करने हैं। हमने कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पर क्लिक करने के बाद ये वाला हम रिमूव कर देंगे और नेक्स्ट जो हमारा लेयर है उसको हम पढ़ लेते हैं कि पहले वो है क्या। और तो कुछ भी नहीं, ये हमने ऐड कर लिया उसके बाद हमारे पास, लेकिन तो ये ऐड करेंगे यहाँ पर है हमारे पास लेकिन। तो मैंने ये जंक्शन वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है, और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट उर्दू के अंदर, उर्दू में इसके अंदर मौजूद हैं, लातिन में, तो आपने कोई भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का लगा लेना है। तो यहाँ से मैंने इसको ऐड कर लिया हमारे पास लेकिन। उसके बाद दोस्तों इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट फाइल को उठाएंगे और इसी तरह थोड़ा सा आगे लगा लेंगे ऐसे जैसे पहले लगाया हमने। पहले लगाने के बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और नीचे ले आएंगे इसको ऐसे, और इसी के नीचे हमने ऐड कर लेना है इसको यहाँ पर। यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको दोबारा कीबोर्ड पर क्लिक करना है और बैक कर देना है इसे, और नेक्स्ट हमारा जो लेयर है वो पुट कर लेना है। इसी तरह आपने सारी जो हमारे लेयर्स हमने कॉपी की हुई हैं वो ऐड कर लेनी है। तो रहेगा तो किसी शय की ज़रूरत क्या है, तू रहेगा ये वाला ऐड कर लेते हैं, तू रहेगा, तू रहेगा, तू रहेगा को इस तरह ऐड कर लेंगे। इस तरह ऐड करने के बाद दोस्तों आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है, दोबारा डुप्लीकेट इसका ले लेना है और इसको भी थोड़ा सा खींच के इसी तरह आगे लगा लेना है इसके। इस तरह आगे लगाने के बाद दोबारा इसको, दोबारा हमने इसे खींच के नीचे ले आना है। नीचे ले आने के बाद, नीचे ले आने के बाद इसको बिल्कुल हमने ख्याल करना है कि स्पेस टेक्स्ट के दरमियान बिल्कुल बराबर रहे और ये बिल्कुल इसके नीचे आ जाए। उसके बाद दोबारा हमने कीबोर्ड पर क्लिक करना है, तू रहेगा से अगला जो है ना हमने देखना है कि वो क्या है। तो कीबोर्ड पर दोबारा जाएंगे, उसके बाद यहाँ देख लेंगे तो किसी शय की, तो किसी शय की ये ऐड करेंगे हम, तो किसी शय की इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों इसी तरह उसके ऊपर दोबारा थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट ले लेंगे इसका, डुप्लीकेट को सिलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेट को थोड़ा सा आगे लगा लेंगे इसके ऐसे। डुप्लीकेट को आगे लगाने के बाद आपने थोड़ा सा मज़ीद इसको ऐसे लगा लेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी के बिल्कुल नीचे ले आएंगे। इसके नीचे ले आने के बाद आपने इसको कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद तो किसी शय की आगे था ज़रूरत क्या है। तो मैंने छोटा सा टेक्स्ट कॉपी किया था, बड़ा भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसे मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको कंटेंट समझा रहा हूँ कि इस तरह की वीडियो बनती कैसे है, तो आपने मज़ीद इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। अरे वो रेत, ज़रूरत क्या है, तू रहेगा तो किसी शय की ज़रूरत क्या है, और तो कुछ भी नहीं हमारे पास लेकिन तू रहेगा तो किसी शय की ज़रूरत क्या है। इस तरह कर दिया दोस्तों, इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों हमने इसको दोबारा एक और अपना नेम ऐड करना है। डेफिनेटली इतनी खूबसूरत वीडियो तो बनाई है, इसका नेम तो क्रिएट बनता है, इसका भी नेम भी हम डुप्लीकेट ले लेंगे। डुप्लीकेट फाइल को उठाकर इसी तरह नीचे ले आएंगे। नीचे ले आने के बाद इसे देख लेंगे कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर, यहाँ पर हम अपना नेम ऐड करेंगे। तो उसको हमने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉर्नर के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। कीबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने नेम पुट करना है। जैसे मैं इसको नेम पुट कर लेता हूँ, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, अपना ही नाम लिख लेता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया और इसके साथ थोड़ा सा आप ये नेम इंग्लिश में भी ऐड कर सकते हैं, तो उर्दू में भी जैसे आपका दिल करे आप इसको कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने ख्याल करना है इन एनिमेशन हमने जो है ना इसको हमने देनी है वाइप राइट वाली, तो इसकी एन एनिमेशन हम चेंज कर देते हैं, वाइप राइट वाली इसको एनिमेशन दे देते हैं और इसको खींच के थोड़ा सा वीडियो के स्टार्ट में ले आएंगे। तो यहाँ से देख लेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से। इसके बाद दोस्तों इसकी एनिमेशन का टाइम हमने बढ़ा देना है, इसकी एनिमेशन का टाइम हमने कर देना है 4 सेकेंड, और दोस्तों इसको कर देना है हमने ओके। ओके करने के बाद दोस्तों वीडियो हमारी तैयार है, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि वीडियो हमारी कैसी बनी है।
ये देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बन गई है। मैंने आपको सारा टेक्स्ट यहाँ पर पुट करके दिखा दिया है। आप इसी तरह अपनी वीडियो बहुत अच्छे तरीके के साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई भी टैक्स लगा सकते हैं। मैंने जस्ट आपको कंटेंट देना था, समझाना था कि ये वाली वीडियो बनती कैसे है। तो इसके बाद आपने यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और 1080 पर रखने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और उसको दोबारा जाकर टिकटॉक पर सिंपल तरीके से अपलोड कर देना है। ये वाली वीडियो आपकी टिकटॉक पर अपलोड हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।